अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। इससे पहले हमने चंद डेफिनेशंस करनी है। फर्स्ट वन है बैंकिंग। बैंकिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड सेफ गार्डिंग द मनी। बैंकिंग जो है एक कारोबारी सरगर्मी है जिसमें पैसे रखे जाते हैं एंड सेफ गार्डिंग द मनी और रकम को महफूज बनाया जाता है एंड अर्न्स अ प्रॉफिट बाय लेंडिंग आउट दिस मनी और इस रकम को कर्ज देकर खास मुनाफा भी कमाया जाता है। नेक्स्ट वन है कमर्शियल बैंकिंग। द फंक्शन ऑफ अ बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स प्रोवाइड लोन्स एंड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स इज नोन एज कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग क्या है? बैंक का एक काम है जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं, इसके अलावा लोन्स यानी उधार भी दिया जाता है एंड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स और क्लाइंट्स को खिदमात भी दी जाती हैं। अब ये क्लाइंट कौन होता है जी? सम पर्सन समवन पेज फॉर सर्विसेज इज नोन एज कमर्शियल बैंकिंग। ये आपकी दो डेफिनेशन हो गई हैं। थर्ड वन है एन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज PLS बैंक अकाउंट। वो अकाउंट जो कि मुनाफा और नुकसान की बुनियाद पर खुलवाया जाता है वो PLS बैंक अकाउंट कहलाता है। फोर्थ डेफिनेशन है करंट डिपॉजिटेड अकाउंट इज यूजुअली ओपन्ड बाय अ बिजनेसमैन। ये अकाउंट एक कारोबारी शख्स जो है वो आमतौर पर खुलवाता है। हु हैव नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल्स रेगुलरली। इट इज़ अ रनिंग अकाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल्स यानी उसके पास एक से ज़्यादा बार दिन में वो पैसे निकलवा भी सकता है और बैंक में जमा भी करवा सकता है। इट इज़ अ रनिंग अकाउंट। ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट और इसमें कोई भी किसी किस्म का सूद दरकार नहीं होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट 4.4 का कन्वर्ट रुपीज़ 70,000 इंटू US डॉलर इफ द कन्वर्जन रेट इज़ 1 US डॉलर इज इक्वल टू 99.80। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अमाउंट लिखेंगे जो हमने कन्वर्ट करनी है इंटू डॉलर। अमाउंट कितनी है हमारी? रुपीज़ 70,000। ठीक है, इससे पहले हमने रेट ऑफ कन्वर्जन भी बताना है। हमारा रेट कितना है? रुपीज़ 99.80। अब हमारा काम क्या है? हमने कन्वर्ट करना है रुपीज़ को US डॉलर में और मेंशन करेंगे नंबर ऑफ US डॉलर्स। ठीक है जी, ये सिंबल ऑफ डॉलर है। अब ये आप किस तरह से फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ US डॉलर, इसके लिए आपको 70,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 99.80 के साथ। पॉइंट की वजह से पॉइंट रिमूव होगा तो आपके पास 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके कटिंग करके आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7 लाख डिवाइडेड बाय 998। अब यहाँ साइड पे हम 7 लाख डिवाइड करेंगे 998 के साथ। 998 का टेबल पढ़े, 998 मल्टीप्लाई 2 2 8 16, 2 9 18 एंड 1 19, 2 9 18 एंड 1 18 एंड 1 19 1996। ये लेस देन है, आपके पास है 7,000। आप 998 को 5 से करें, 5 8 45 5 9 45 45 में 4 ऐड करें, 49 4 कैरी चला जाएगा, 5 9 45 45 में 4 ऐड करें, 4,990। ये भी लेस देन है, आप 998 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 56 6 लिखेंगे, 5 कैरी चला जाएगा, 7 9 63 63 में 5 ऐड करें, 68 6 कैरी चला जाएगा, 7 का टेबल 9 तक पढ़ें, 7 9 63 63 में 6 ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 69। तो ये 7,000 के
करीब तरीन है, इसलिए 998 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6986. अब 7000 में से 6986 को माइनस करें, 10 - 6 - 4, 9 - 8 - 1. ये हम किस तरह से किया कि हमने यहाँ से कैरी लेते हुए हम यहाँ पे आए हैं 10, 9, और ये भी हमारे पास 9, और यहाँ रह गया 6. 9 - 9 - 0, 6 - 6 - 0. अब यहाँ पे हमने इस वाले 0 को लिखना है, ये बन गया 140. ठीक है, 140 998 से लेस देन है, इसलिए हम एक ही स्टेप में 2 0 यूज़ करेंगे. जब हम 2 0 एक स्टेप में यूज़ करेंगे तो ऊपर एक 0 लिखेंगे आंसर में. अभी आपके पास नंबर बन गया है 1400. 998 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि वो करीब 1400 हो, तो 998 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 1996, इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 998. 1400 में से 998 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 402. अब हम पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ऐड करेंगे यहाँ पे नया, और ये बन जाएगा 4020. 998 का टेबल हमने दोबारा से पढ़ना है. हमारे पास 998 3 से नहीं किया हमने मल्टीप्लाई, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 3824 2 कैरी चला जाएगा. 3927 27 में 2 ऐड करें 29, 2 कैरी चला गया. 3927 एंड 229 ये लेस देन है, तो हम 998 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4832 2 लिखा 3 कैरी चला गया. 4936 36 में 3 ऐड करें 39 3 कैरी चला गया. 4936 36 में 3 ऐड करें तो 39 ये हमारा 3999 4020 के करीब तरीन है. तो 998 को 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3992. माइनस करें इसको तो आपके पास आ जाएगा 28. ठीक है, अब हमारे पास फिर जो है वो नेक्स्ट एक ही 0 हम यहाँ लिखेंगे, तो ये है 280 जो कि 998 से बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे तो ये बन गया 2800. ठीक है, जब हमने 2 0 एक्स्ट्रा में यूज़ किए तो ऊपर एक और 0 लिखेंगे. 998 का टेबल हमने पढ़ना है, 2800 आया. हमारे पास यहाँ टेबल ऑलरेडी जो है हमने किया हुआ है. 998 को 2 से डिवाइड किया था तो 1996 आया था. 3 से हमने किया था 2994 आया था. ये मोर देन है 2800 से और ये लेस देन है, लिहाजा हम यहाँ पे 998 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1996. माइनस करें 10 - 6 - 4, 9 - 9 - 0, और यहाँ पे आपके पास रहेगा था 7. 17 - 9 आपके पास आ जाएगा 8. डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 digits या 3 digits ही रिक्वायर हैं, इसलिए हम यहीं पे डिवीजन प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ, हम यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं. 701.402 हमने कन्वर्ट कर दिए हैं नंबर ऑफ़ यूएस डॉलर अपनी करेंसी 70,000 को, और अब उसको किस तरह से लिखेंगे, डॉलर्स का सिंबल यू. हमने अपने 70,000 की करेंसी को 701.402 डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कन्वर्ट रुपीज़ 75,000 इंटू यूके पाउंड. रेट है 1 UK pound का 168.50. इसको भी यहाँ पे सॉल्व करना है. अमाउंट टू बी कन्वर्टेड लिखें कितनी है, 75,000. रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, 168.50 रुपीज़ है नंबर ऑफ यूके डॉलर. अब 75,000 को 168.50 से डिवाइड करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7,50,000 डिवाइडेड बाई 1,685. डिवीजन का प्रोसेस आपके पास यहाँ मौजूद है. 1685 का टेबल 4 तक पढ़ें तो आपके पास आ जाएगा 6,740. माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 760. फिर आप एक 0 ऊपर से यहाँ स्टेप पे लेके आएंगे, 7,600 हो जाएगा. 1685 को 4 से मल्टीप्लाई करें, वही आंसर आएगा 6,740. माइनस करके आपके पास आ जाएगा 860. यहाँ से एक और 0 आप नीचे लिखेंगे, 1685 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 8,425.
8600 में से 8425 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 175। एक और जीरो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे जो आपने जीरो लिखा है 750,000 कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे मजीद बिलियन के लिए हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड किया और इस वैल्यू को हमने बनाया 1750, क्योंकि 175 1685 से लेस देन थी। 1685 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 1685 को माइनस करें आपके पास आएगा 65। अब यहाँ इस स्टेप में आपके पास 1685 से लेस देन था, एक ज़ीरो आपने लगाया तो ये हो गया 650, फिर भी 685 से लेस देन है, लिहाजा हमने एक और ज़ीरो इसी स्टेप में इस्तेमाल किया तो यहाँ पे 6500 हो गया। 1685 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 5055। 6500 में से 5055 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 1445। हमें यहीं तक जो है वो आंसर रिक्वायर है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 to 3 डिजिट्स, तो हमारा आंसर आ गया 750,000 को 1685 से डिवाइड करने के बाद 445.103। ये क्या था जी, हमने कन्वर्ट करना था यूके पाउंड में तो इसका सिंबल यू आएगा। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट रुपीज़ 50,000 इंटू सऊदी रियाल, इसका रेट कितना है 26.85। उसी तरह से अपनी अमाउंट लिखें 50,000, रेट ऑफ कन्वेयर लिखें 26.85, इसको डिवाइड करें। डिवीजन का प्रोसेस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। डिवाइड करें 2685 को, 1 से मल्टीप्लाई करें 2685 को, तो आपके पास 5000 में से 2685 को माइनस करके आ जाएगा 2315। यहाँ पे एक और जीरो ऐड करेंगे, 2685 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 21480। 23150 में से 21480 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 1670। एक और जीरो यहाँ पे लिखें, 685 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 16110। माइनस करने के बाद 16700 माइनस 16110, इसमें से आपके पास आ जाएगा 590। एक और जीरो आप लगाएंगे तो आपके पास 2685 का टेबल 2 तक पड़ेंगे तो 5900 के नीचे आएगा 5370। माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 530। एक और जीरो लगाएं। अब यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो गए थे ज़ीरो और आप डेसिमल पॉइंट के बाद हमने जो एक ज़ीरो ऐड किया, एक ज़ीरो 2685 का टेबल 1 तक पढ़ें 2685 माइनस करें आपके पास आ जाएगा 2615। एक ज़ीरो और लगाएंगे तो आपके पास बन जाएगी वैल्यू 26150। 2685 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 24165, माइनस किया तो आपके पास आया 1985। तो हमने 50,000 की जो वैल्यू थी उसको कन्वर्ट कर दिया सऊदी रियाल में तो आपके पास आया 1862 सऊदी अरब के रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डी कन्वर्ट रुपीज़ 48,000 इंटू इंडियन रुपी। एक इंडियन रुपी जो है वो पाकिस्तानी करेंसी के 1.60 रुपीज़ के इक्वल है। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड रुपीज़ 48,000, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है 1.60, नंबर ऑफ इंडियन रुपी 48,000 को 1.60 के साथ आपने डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई करके पॉइंट रिमूव करके आपके पास 100 आया। अब आपके पास अमाउंट आ गई है जी 4,80,000 डिवाइडेड बाई 16 और आपके पास बकिया जो ज़ीरो है उनको लिखें तो आपके पास टोटल जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, 30,000 इंडियन रुपी 48,000 को 1.60 रेट के साथ हमने कन्वर्ट किया इंडियन रुपी में तो हमारे पास आ गया 30,000 इंडियन रुपी। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इनको आपने भी नोटबुक पे लिखना है।